देखो इसमें आता है केमिकल मेथड या कंडेंसेशन मेथड। जो सेकंड मेथड था आपका वो है केमिकल मेथड या कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन में क्या होता है, मॉलिक्यूल एग्रीगेट हो जाते ठीक है। इसमें क्या होगा, एग्रीगेट हो जाएंगे तो छोटे छोटे पार्टिकल ही क्या होते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, एग्रीगेट ठीक है, आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। तो इसके लिए जो केमिकल मेथड है यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, एक है डबल डिकम्पोजिशन मेथड हो गया। तो इसकी रिएक्शन ही लिख देते हैं डायरेक्ट, 2H2S+SO2। तो इसका हम करते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सल्फर है यही सॉल बन जाएगा सल्फर का ठीक है, और H2O यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो ये पहला केमिकल मेथड है ठीक है, फर्स्ट केमिकल मेथड। H2S में SO2 गैस पास आउट कराई, ऑक्सीडेशन होगा, सल्फर का सॉल बन जाएगा और H2O रिलीज हो जाएगी, पहली रिएक्शन। सेकंड, अगर गोल्ड का सॉल बनाना है हमने तो गोल्ड के लिए 2AuCl+3HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड डालेंगे उसमें और वाटर डालेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा ठीक है। यहाँ पे इसका हो जाएगा रिडक्शन, और रिडक्शन होने के बाद बनेगा गोल्ड। गोल्ड का सॉल बन जाएगा आपके पास ठीक है, गोल्ड का सॉल बनेगा और इसके आगे की जो चीजें हैं वो बन जाएगा एसिड, फॉर्मिक एसिड और HCl। तो इसमें से गोल्ड का सॉल बन गया ये आपका गोल्ड सॉल, दूसरा बन गया, दूसरी रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन है इसमें FeCl3। FeCl3 में अगर हमने वाटर डाला ठीक है, तो ये इसको क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस कर देता है। वाटर के प्रेजेंस में यहाँ पे होता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करने के बाद बनता है जो, ये बन जाएगा आपके पास FeOH का होल थ्राइस, जो अभी हमने बनाया था FeOH का होल थ्राइस, ये सॉल्ट बन जाएगा, रेड सॉल्ट। और यहाँ पे HCl रिलीज हो जाएगा। ये सर और लास्ट इसमें है, अगर हमें इसमें अगर हम गोल्ड का ही कर रहे हैं, सॉरी आर्सेनिक का, As2O3+3H2S, यहाँ पे होता है डबल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। तो ये बन जाएगा आपके पास As2S3। तो ये सॉल्व बन जाएगा आपके पास जो हमने बनाना है, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से अलग हो जाएगा ठीक है। तो ये रिएक्शन से केमिकल रिएक्शन, तो कई बार वो रिएक्शन पूछ लेता है। तो ये कंडेंसेशन है यानी जब कंबाइंड होगा एग्रीगेट होके बनेगा, कंबाइंड या एग्रीगेट होके बनेगा, तो ये मेथड है केमिकल मेथड। और वैसे में क्या होगा, दूसरा मेथड यूज हो जाएगा। रिटर्न तो कई बार वो पूछता है कि बताओ गोल्ड का सॉल्ट कैसे बनेगा केमिकल रिएक्शन के थ्रू। तो ये रिएक्शन थोड़ी आपको याद करनी हाँ होगी ठीक है। रिटर्न ठीक है, बस लिख लिया। यस सर, अब लिखो प्यूरिफिकेशन, बस प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन देखो, प्यूरिफिकेशन में सबसे पहले आपको प्यूरिफिकेशन का मतलब तो समझ में आ गया होगा, रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज, उसी को कहेंगे प्यूरिफिकेशन। लेकिन यहाँ पे पूरा नहीं करना है रिमूव, क्योंकि इम्प्योरिटी भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट होती है। दो, तो इसमें होगी द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी
द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इम्प्योरिटीज, और यहां पे कौन सी इम्प्योरिटी होती है, यहां पे होती है इलेक्ट्रोलाइट वाली इम्प्योरिटी, इलेक्ट्रोलाइट या इसे कहते हैं क्रिस्टलवाइट, ध्यान रखना जो इम्प्योरिटी होती है उसका नाम है, किसी बुक में उसे लिखा रहा होगा क्रिस्टलवाइट, ठीक है, तो इम्प्योरिटी नहीं लिखते हैं, वहां पे लिखेंगे क्रिस्टलवाइट, टू द रिक्वायर्ड एक्सटेंट, टू द रिक्वायर्ड एक्सटेंट, इसी को कहेंगे हम प्योरिफिकेशन, ठीक है। प्योरिफिकेशन होता है जनरली रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है, देखो अभी हमने कहा था ना कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की हमें जरूरत होती है, ठीक है, पूरा नहीं करना है आपने रिमूव, कुछ तक करना है, तो रिक्वायर्ड लेवल तक आपको इम्प्योरिटी को रिमूव करना है, ठीक है, रिक्वायर्ड लेवल तक। रिटर्न लिख लियो, आगे बढ़ जाऊं। हाँ, अब देखो इसके तीन मेथड है हमारे पास, ठीक है, थ्री मेथड्स। इसमें पहला मेथड है डायलिसिस, फर्स्ट इज डायलिसिस, सेकंड इज इलेक्ट्रोडायलिसिस, और थर्ड इसमें आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं, पहले डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। लिख लिया, अब फर्स्ट हेडिंग लिख दो इसमें डायलिसिस, फर्स्ट हेडिंग इज डायलिसिस। यस सर। ठीक है, डायलिसिस का मतलब क्या होता है, डायलिसिस का मतलब जैसे हम प्यूरिफाई करते हैं, तो डायलिसिस है जो आपका, इसकी डिफाइन होती है द प्रोसेस इन विच colloidal particle is separated from, किससे सेपरेट करेंगे बताओ, क्रिस्टलॉइड से या इम्प्योरिटी से, ठीक है, क्रिस्टलॉइड या इम्प्योरिटी, यहाँ पे इम्प्योरिटी क्या है, क्रिस्टलॉइड है, ठीक है, क्रिस्टलॉइड या इम्प्योरिटी से हम क्या करेंगे, इसे सेपरेट करेंगे by diffusion through a semi permeable membrane, ठीक है, तो semi permeable membrane के through हम उसे diffuse करेंगे, pass out कराएंगे, और उससे हम क्या करेंगे, इसे प्यूरिफाई करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डायलिसिस। है सही परिवर्तन, मतलब जो पानी जाने लग जाती है, क्या होती है, जो आने जाने दोनों देती है, मतलब पास थ्रू होने देती है। हाँ,
हाँ, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है देखो, जिसमें इसमें क्रिस्टलॉइड है। अब बताओ किसका साइज बड़ा होता है, क्रिस्टलॉइड का साइज बड़ा होगा या कोलाइडल पार्टिकल का साइज बड़ा होगा? क्रिस्टलॉइड का नहीं, ये इलेक्ट्रोलाइट है, कोलाइडल कोलाइड का साइज बड़ा होता है। ठीक है, किसका साइज बड़ा होगा? कोलाइडल पार्टिकल का साइज कोलाइड बड़ा होगा। ठीक है, ध्यान रखना, साइज में इसका साइज बड़ा होगा, इसका छोटा साइज ठीक होगा। ठीक है, तो इसे लिख लो, साइज होगा क्रिस्टलॉइड का वो स्मॉल होता है, जो क्रिस्टलॉइड होगा इसका साइज छोटा होगा एज कंपेयर टू कोलाइडल पार्टिकल्स। सर लिख लिया लिख लिया। अब इसमें क्या होगा, देखो इसके इसमें आपको क्या करना है, अब इसकी प्रोसीजर लिखो, प्रोसीजर। ठीक है। ठीक है, अब प्रोसीजर में देखो क्या करना है, प्रोसीजर में करना है हमने, सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में लिखो टेक पार्चमेंट पेपर, पार्चमेंट पेपर ध्यान रखो, या ऐसे कहते हैं सेलोफेन। ठीक है, या इसको कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, या एनिमल मेम्ब्रेन, कई बार अलग अलग नाम से कह देते हैं, एक ही चीज है, एनिमल मेम्ब्रेन, सेलोफेन, पार्चमेंट पेपर। ठीक है, इनमें से कोई भी हो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सब एक ही चीज है। और इसका आप क्या बना दो, एक बैग बना दो, बैग, एक बैग टाइप का बना ठीक है दो, पहला स्टेप। ठीक, हाँ जी अब उसके बाद क्या होगा, देखो सेकेंड स्टेप में क्या करना है, हमने इसको उसमें रख दो, प्लेस्ड, प्लेस्ड इम्प्योर, क्या करना है, इम्प्योर वाला, इम्प्योर सॉल्यूशन, किसमें, इन द बैग, इन द पार्चमेंट पेपर बैग, जो ये बैग बनाया आपने, बैग ऑफ पार्चमेंट पेपर। ठीक है, जो आपने पार्चमेंट पेपर बना दिया इसके बैग में रख दो उसे, किसको, इम्प्योर सॉल्यूशन। ठीक है, इम्प्योर सॉल्यूशन को उसमें रख दिया, तो सेकंड स्टेप में क्या किया आपने, इम्प्योर सॉल्यूशन को रख दिया उसमें। हाँ अब क्या होगा, देखो थर्ड पॉइंट क्या करना है आपने, सस्पेंडेड इन वाटर, इसे कहाँ कर दो, सस्पेंड कर दो, सस्पेंडेड इन वाटर, वाटर के ऊपर सस्पेंड कर दो इसे। देखो ऐसे इसका डायग्राम बना देता हूँ मैं आपके पास, जैसे ये आपके पास, ठीक है, आपने यहाँ पे एक बैग टाइप का बना दिया, इसमें आपने यहाँ क्या रख दिया, इम्प्योर कोलाइडा सोल्यूशन रख दिया, और यहाँ पूरा वाटर वाटर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, वाटर ही वाटर कर दिया। ठीक है, ये वाटर ही वाटर यहाँ पे कर दिया। अब वाटर में आपने इसे सस्पेंड कर दिया, अब बताओ इनमें से कौन सा पार्टिकल है जो बाहर निकलेगा। अब इसमें इंप्योरिटी में दो है, एक है आपके पास इलेक्ट्रोलाइट और एक है आपके पास कोलाइडल पार्टिकल, तो इनमें से कौन सा पार्टिकल है जो यहां से रिमूव हो जाएगा, बताओ। ये सॉल्यूशन था ना जो आपके पास, इसमें से कौन सा पार्टिकल है जो इसमें रहेगा, कौन सा पार्टिकल है जो बाहर निकल जाएगा? जिसका साइज छोटा होगा ना, जिसका साइज छोटा होगा बाहर आ जाएगा। तो किसका साइज छोटा है इनमें से, बताओ। जैसे ये है आपके पास, ठीक है, यहां से आपने वाटर पास कर रहे हो और यहां से वाटर बाहर निकल जा रहा है कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो कौन सी चीज बाहर निकलेगी, क्रिस्टलवाइट, इम्प्योरिटी, जो
इंप्योरिटी का साइज क्या है, छोटा है, तो इंप्योरिटी यहां पे क्या है, क्रिस्टलोइड है, ठीक है। तो ये क्रिस्टलोइड क्या होगी, यहां से रिमूव हो जाएगी फ्रॉम द सॉल्यूशन, ठीक है, इंप्योर सॉल्यूशन। जो इंप्योर सॉल्यूशन है उससे कौन सी चीज बाहर होगी, इंप्योरिटी या क्रिस्टलोइड, क्योंकि इसका साइज क्या है, छोटा है। आया समझ में कि नहीं आया सुमित जी? आया आपको समझ में ये? यस सर आया। ठीक है, तो इससे कौन सी चीज निकली बाहर, इंप्योरिटी बाहर निकली। इंप्योरिटी क्यों निकली बाहर बताओ, कोलाइडल पार्टिकल क्यों नहीं निकला बाहर सर? ये बीच में कभी आपकी आवाज कट जाती है। अच्छा, मैंने कहा इसमें से इंप्योरिटी बाहर निकल गई, तो इंप्योरिटी क्यों निकली बाहर, क्योंकि इंप्योरिटी का साइज क्या होता है, छोटा है, छोटा है, ठीक है, और कोलाइडल पार्टिकल का साइज क्या है, बड़ा है, बड़ा है। कोलाइडल पार्टिकल किससे पास नहीं हो सकता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता है, लेकिन इंप्योरिटी या क्रिस्टलोइड क्या हो सकते हैं, इजिली पास आउट हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, जैसे आपने क्या किया, इंप्योरिटी या क्रिस्टलोइड क्या होंगे, यहां से रिमूव हो जाएंगे, यहां से निकल जाएंगे, ठीक है। ये लिख लिया, इसे लिख लो, रिटन लिख रहा हूं। अच्छा लिख रहा हूं, थोड़ा सा वैसे क्या तबीयत खराब है क्या आपकी? ये सर थोड़ा फीवर हो रहा है, खांसी उसकी होनी है, दवाई खाई है अभी मैंने थोड़ी पहले। ओह, वैक्सीन लगाई थी ना उसके बाद फीवर हो गया। अच्छा, डॉक्टर ने कहा 5 दिन का कोर्स कर लो और अगर नहीं ठीक हो तो कोविड का टेस्ट कराना। अच्छा, सर लिख लिया, लिख लिया ना। अब देखो इसमें इम्प्योरिटी क्या हो गई, यहां से रिलीज हो गई, और यहां पे क्या रह गया, लेफ्ट बिहाइंड कोलाइडल पार्टिकल्स, जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो यही रह गए, और इम्प्योरिटी वहां से रिलीज हो गई। कोलाइडल पार्टिकल क्यों नहीं हुए, रिलीज क्यों नहीं हुए यहां से, क्योंकि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो कोलाइडल पार्टिकल को पास नहीं होने देती, ठीक है, कैन नॉट परमिटेड टू पास, ठीक है, कैन नॉट अलाउ टू पास कोलाइडल पार्टिकल। जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो क्या नहीं करने देती, इसको पास नहीं करने देती, किसको, कोलाइडल पार्टिकल को, ठीक है, इसीलिए। और इस एपरेटस को हम कहते हैं, the apparatus is called dialyzer, ठीक है। इसके बाद आप कल ही करना, क्योंकि अब आप रेस्ट कर लो, है ना, चलो ठीक है। हाँ, इसमें दो ही पॉइंट बचे, कोई बात नहीं, आप कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसे लिख लो बस, apparatus used for this purpose is called dialyzer, ठीक है, बस ठीक, ऑफ कर देते हैं। हाँ जी, थैंक यू सर।